Daddify. So today's topic is MBBS counseling and difference between NCC and state counseling. तो counseling होता क्या है? Counseling एक procedure है जिसके through हम इंडिया में सीख ले सकते हैं MBBS. Counseling एक procedure है जिसके through हम MBBS की सीख ले सकते हैं इंडिया में. Okay? तो आप काउंसलिंग के थ्रू आप सीट ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं. तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है वो मैं आपको क्लियर करती हूँ. आपके लिए एलिजिबिलिटी है, फर्स्टली आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, सेकेंड आप नीट क्वालिफाइड होनी चाहिए. ओके, फर्स्ट आपके लिए आप इंडियन होना चाहिए, सेकेंड आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए. अब आते हैं हम काउंसलिंग के बारे में. हमें पता चल गया काउंसलिंग एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू मैं MBBS में सीट ले सकता हूँ. सेकेंड मुझे ये पता चल गया मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ. ठीक है, आपको पता चल गया कि हाँ मेरे नीट क्वालिफाइड भी है और मेरी नेशनलिटी इंडियन भी है. थर्ड टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ काउंसलिंग. ठीक है, काउंसलिंग कितने तरीके की होती है? काउंसलिंग होती है दो तरीके की. फर्स्ट होती है एनसीसी, सेकेंड होती है स्टेट काउंसलिंग. एनसीसी काउंसलिंग का मतलब है मेडिकल काउंसिल कम्युनिटी, जिसकी आपकी फुल फॉर्म है ncc.nic.in. ओके, ncc.nic.in इसकी वेबसाइट है. ओके, अब हम आगे जाते हैं एमसीसी के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशन आते हैं, एमसीसी के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं. तो एमसीसी के अंदर आता है फर्स्ट 15% सीट्स ऑफ ऑल इंडिया गवर्नमेंट कॉलेजेस. ठीक है, जितने भी ऑल इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं सबकी सीट 15% सीट्स एमसीसी के पास. सेकेंड आता है इसमें 100% एम्स की सीट इसके पास है, 100% जिपमर की इसके पास है, 100% BHU की भी इसके पास है, 100% AMU की भी इसके पास है और 15% ESI की भी इसी के पास है. तो आप समझ गए होंगे, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ. इसके पास 100% डीम्ड भी है, 100% एम्स भी है, 100% AMU भी है, 100% जिपमर भी है और 100% BHU भी है. तो इसके पास 15% जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट है और 15% इसके पास ESI की सीट. ओके, तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब सीट्स आती है MCC के कंट्रोल में. ठीक है, जिसकी काउंसलिंग कौन कराता है? MCC कराता है. अब आते हैं स्टेट. स्टेट के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपको पहले क्लियर किया कि 15% तो आपने गवर्नमेंट सीट अपनी दे दी एमसीसी को, तो स्टेट के पास रिमेनिंग हो गई 85. अब 85% के लिए स्टेट अपना काउंसलिंग कराता है. ठीक है, 84% गवर्नमेंट सीट स्टेट के हाथ और 100% प्राइवेट की सीट जो होती है प्राइवेट कॉलेज की, वो प्राइवेट कॉलेज की सीट स्टेट अपने आप उसी काउंसलिंग कराता है. लेकिन प्राइवेट चलता है एमसीसी के थ्रू, पैरेलल चलता है एमसीसी जो है वो और स्टेट. एमसीसी जैसा करता है रूलिंग जो भी होती है वो सेम वही फॉलो करता है स्टेट. ठीक है, जैसे एमसीसी चलता है वैसे स्टेट चलता है. सो मैं क्लियर कर चुकी हूँ. अब दोबारा मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता दूं, एमसीसी के पास राइट्स हैं जिपमर के, AMU के, BHU के, एम्स के, डीम्ड के और 15% ऑल इंडिया गवर्नमेंट के, 15% ESI के. और स्टेट के पास क्या है? 85% गवर्नमेंट सीट्स हैं अपनी स्टेट की और साथ ही साथ 100% प्राइवेट कॉलेजेस की सीट है. सो मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको क्लियर कर दिया. फिर भी अगर कुछ क्वेरीज रहती है तो मैं अवेलेबल हूँ और इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं. ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और बाकी मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.